सरपंच जी नहीं रहना इस घटिया आदमी के साथ, अलग कर दीजिए हमको। ओह गॉड, जिंदगी बर्बाद हो गई, खाली ओके ओके करते, मेरे हस्बैंड हमको प्यार नहीं करते। प्यार नहीं करता तो फिर का करता है? अरे करेंगे क्या, सुबह सुबह उठ के एक रोटी पानी से हमको भिगा देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। शाम में आते हैं तो अगरबत्ती दिखाते हैं, प्रसादी देते हैं और सूत जाते हैं। वो तो देते ही नहीं जो आपको चाहिए। No. समझ रहे हो? इतना खूबसूरत वाइफ मिली है, इतना खूबसूरत वाइफ मिली है। तुम इसको काया नहीं दे, तुम बड़े हरामी हो बेटा। मतबल की पति पत्नी वाला प्यार काहे नहीं देता? अरे सरपंच जी, इसमें हमारा कोनो कसूर नहीं है, सारा कसूर जो है ना हमारे ससुर जी का है। अपना फ्यूज खराब है जिसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता तो केस करेंगे बिजली बोर्ड के ऊपर, बताइए जरा। हमको भी लगता है इसका जो फ्यूज है ना गड़बड़ है। अरे हमारा फ्यूज एकदम बिल्कुल दुरुस्त है, इतना करंट बनता है कि हमको तो इसको नष्ट करना पड़ता है। अब देखिए हुआ ये कि जब हमारी शादी हो रही थी और जब इनकी विदाई हो रही थी तो हमारे ससुर जी इनका हाथ हमारे हाथ में देते हुए कहे कि दामाद जी आपको बेटी नहीं साक्षात देवी दे रहे हैं। अब जब साक्षात देवी हमारे घर में प्रकट हो गई है तो हम इनकी पूजा नहीं करें तो का कर? जवानी तो हमारी बर्बाद हो गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।